हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल कुमार और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम लोग इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को खत्म ही कर देंगे। तो चलिए आज इसके वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मेरा एक्सरसाइज 10 चल रहा है और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 to 31, मतलब इसके लास्ट क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको और वीडियोज देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स चेक कीजिए, आपको और भी वीडियोज के लिंक प्रोवाइड कर दिए गए, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले और हम लोग से आप जुड़ना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम पे इस चैनल को सर्च कीजिए, आप उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इस वीडियो का आपको क्या करना है, जब आंसर कमेंट बॉक्स में करना है तो फटाफट नीचे क्या कीजिए, इसको इसका आंसर कर दीजिए। देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितने इंटेलिजेंट हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरे पास क्वेश्चन बोल रहा है इन अ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब क्या है, मेरे पास एक ट्राइंगल दिया गया है ए बी सी, ठीक है। उसमें क्या बोला गया है कि एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। ऐसे ही कोई हम लोग ट्राइंगल बना लेते हैं, ऐसे ही कोई ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। ए बी सी एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये मेरा क्या है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी और ये सी है, ठीक है। उसमें बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये मेरा 90 डिग्री है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, टेन ए इक्वल टू, मतलब एंगल इसको कंसिडर किया गया है, ठीक है, एंगल ए को कंसिडर किया गया है। गिवन मेरे पास क्या है, गिवन है मेरे पास टेन ए, टेन ए इक्वल टू कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग को पता है, हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे स्टेप फॉलो करते थे वैसा ही स्टेप इसमें भी फॉलो करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो 1/1 लिख दे तो कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए और हम लोग को पता है ये रेशियोज के फॉर्म में है तो ये कैसे मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई होगा। और एक हम लोग ट्रिक रटे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, हम लोग को पता है ये साइन का होता था, ये कॉस का और ये टैन का, तो टैन का क्या हो जाएगा, P/P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में सबसे पहले हम लोग हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड कर लेते हैं। हम लोग को पता है सबसे लंबी वाली जो साइड होती है वो मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, जो दिख रहा है सबसे लंबा हाइपोटेनस, ठीक है। और हाइपोटेनस से एंगल के थ्रू कनेक्टेड साइड, ये क्या है, एंगल है, और एंगल के थ्रू कनेक्टेड साइड बेस, ठीक है, और जो बच जाए परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इस केस में देखिए मेरे पास परपेंडिकुलर भी 1K है और बेस भी 1K है, तो परपेंडिकुलर मतलब 1K यहाँ पे रख लेते हैं और बेस इक्वल टू भी क्या करते हैं, 1K रख लेते हैं। सेकेंड स्टेप क्या करते थे, थर्ड साइड को फाइंड करते थे, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं हम लोग, कि सबसे लंबी साइड की स्क्वायर, मतलब क्या कि एसी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ टू, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड, ठीक है। मतलब क्या कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही हम लोग जानते हैं, बस कुछ नहीं कीजिए, सबका वैल्यूज पुट कर दीजिए, हम लोग को आंसर आ जाएगा। ए सी, ए सी इस केस में क्या है, मेरे पास एच है क्या, यहाँ से देखिए एच है क्या, तो बस यहाँ पे हम लोग एच का स्क्वायर कर देंगे, इक्वल का साइन दे दीजिए। ए बी, ए बी कितना है मेरे पास, 1K है, तो बस 1K का यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, प्लस साइन है प्लस दे देंगे। बी सी, बी सी भी मेरे पास कितना है, 1K है, तो यहाँ पे भी हम लोग 1K कर लेंगे और इसको ऐड करेंगे तो मेरे पास 2K स्क्वायर आ जाएगा। देखिए K का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और K का स्क्वायर K स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम लोग 2K स्क्वायर कर लिए, मतलब क्या, H अगर फाइंड करना चाहें तो रूट ओवर 2K स्क्वायर कर लेंगे। देखिए 2 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो ये रूट में ही फंसा रह जाएगा और K स्क्वायर है और स्क्वायर रूट को लेके गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे √2K आपका आंसर हो जाएगा, मतलब क्या कि एच इक्वल टू कितना आ गया, √2K आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड कर लेंगे। मेरे पास पता है कॉस्ट, पहले हम लोग साइन थीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए तो साइन थीटा इक्वल टू क्या पता है, मेरे पास पता है साइन थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, P/H, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, बी सी है, तो बी सी कर लेंगे परपेंडिकुलर, और एच, एच क्या, हाइपोटेनस क्या है मेरे पास, ए सी है, तो यहाँ से ए सी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। बी सी कितना है मेरे पास, 1K है, तो यहाँ पे हम लोग 1K रख लेंगे, और डिवाइडेड बाई ए सी, ए सी कितना है मेरे पास, देखिए ए सी कितना है, देख के बताइए, √2K है, तो यहाँ से √2K पुट कर लिए।
चलिए अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे कॉस ए भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ए कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉस ए, कॉस ए इक्वल टू क्या, सेकेंड वाला बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या है मेरे पास इस कंडीशन में, बेस ए भी है क्या, तो बस यहाँ से ए भी पुट कर लेंगे, और हाइपोटेनस मेरे पास कितना है, ए सी है, तो ए सी यहाँ से पुट कर लेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी कितना है मेरे पास, 1 के है, और ए सी कितना है, ए सी मेरे पास √2 के है। के से के को कैंसिल कर दीजिए, इधर भी के से के कैंसिल हो जाएगा। हम लोग को प्रूव ये करना है, तो सबसे पहले एल एच एस, एल एच एस में मेरे पास क्या दिया गया है, 2 sin A × cos A दिया गया है, ठीक है, सबका वैल्यूज पुट कीजिए, 2 2 तो 2 ही रहेगा, sin A की जगह 1/√2 पुट कर दे तो कोई दिक्कत क्या, ठीक है, cos A की जगह 1/√2 पुट कर दे तो कोई दिक्कत क्या, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लीकेशन, 2 × 1 × 1 2, और √2 × √2 2 हो जाएगा क्या, और इसको कट कीजिएगा 1, यही हम लोग को RHS में फाइंड भी करना था, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव कर रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पर 23 में क्या बोला गया है, मेरे पास एक रेक्टेंगल दिया गया है, ठीक है, रेक्टेंगल दिया गया है, और उसमें क्या दिया गया है, ए सी की वैल्यू को दे दिया गया है, ए सी की वैल्यू को क्या किया है, दे दिया है, और बी सी ए, बी सी ए जो एंगल दिया गया है मेरे पास कितना दिया है, थीटा दिया है, ठीक है, यहाँ से कितना दिया है, थीटा दिया है, और साइन थीटा की वैल्यू दे गई है, उससे क्या करना, हम लोग को एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये जो मेरे पास रेक्टेंगल दिख रहा है उसका एरिया फाइंड करना है, और पेरीमीटर भी फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर को प्यार से कूपचे में बुलाते हैं, उसको थोड़ा मार पीट के उससे क्या करेंगे, उससे उसका सारा सच उगलवाएंगे कि उसके पास बेस कितना है ना, ये सब करेंगे हम लोग। चलिए तो यहाँ पे हम लोग इसको प्यार से बुला लिए, इसको रोटेट करना चाहें तो रोटेट रोटेट करना चाहें तो इसको एस, कहाँ गया रोटेट का, रोटेट कैसे होता है, हाँ चलिए यहाँ से ऐसे रोटेट कर दे तो कोई दिक्कत क्या, सेम चीज है, हम लोग क्या कर रहे हैं, रोटेट करके देख रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे मेरे पास अगर यहाँ से देखना चाहिए तो ए बी सी एक ट्राइंगल हो गया क्या मेरे पास, राइट एंगल ट्राइंगल, देखिए ये ए बी सी मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गया क्या, और यहाँ पे थीटा भी पता है, ठीक है, तो अब आसान हो गया ना आसान। अब इसे क्या करेंगे, सबसे पहले ये साइड फाइंड कर लेंगे और ये साइड फाइंड कर लेंगे। चलिए तो फाइंड करते हैं, मेरे पास क्या गिवेन है, साइन थीटा इक्वल टू 8/7 दिया, 17 दिया गया है, साइन थीटा इक्वल टू 8/17 दिया गया है। हम लोग पढ़ चुके हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, साइन थीटा का क्या, पी बाई एच, मतलब क्या ये रेशियो में है तो कैसे मल्टीप्लाई, पी बाई एच कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये मेरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी लिखिएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी मेरे पास सबसे लंबी साइड ए सी दिख रही है क्या, दिख रही है क्या, तो ये मेरा क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ठीक है, हाइपोटेनस से एंगल के थ्रू कनेक्टेड साइड, एंगल के थ्रू कनेक्टेड साइड क्या होता है, बेस होता है, और जो बच जाए परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, इस केस में परपेंडिकुलर मेरे पास पता है 8 के है, तो यहाँ पे 8 के लिख लेंगे, हाइपोटेनस पता है 17 है, तो के हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो यहाँ के लिखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे अंडरस्टूड है, ठीक है, चलिए यहाँ पे समझ आइए कि के नहीं है, ठीक है, चलिए 8 है और यहाँ पे एच इक्वल टू 17 है। अब क्या करेंगे, थर्ड साइड फाइंड करेंगे, ये मेरे पास बी, हम लोग पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्या पढ़े हैं, सम ऑफ टू स्मॉलर साइड, मतलब इन दोनों छोटे साइड का स्क्वायर का सम इक्वल टू बड़े वाला साइड, ठीक है, मतलब क्या कि ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर, मतलब ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर होता है क्या, ए बी, ए बी के जगह, ए बी के जगह 8 रख दे तो कोई दिक्कत क्या, और इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन है प्लस दे दीजिए, बी सी, बी सी हम लोग को फाइंड करना, और यहाँ पे हम लोग बी सी को बी कंसिडर किए हैं, तो यहाँ पे बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ए सी कितना है 17 है क्या, और यहाँ पे 17 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 64 हो जाएगा, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर ही रहने दीजिए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये मेरे पास 289 आ जाएगा, ठीक है, बी का वैल्यू फाइंड करना है तो बी स्क्वायर को इधर ही रखिए, इसको उधर कर दीजिए, ठीक है, 289 - 64 कर ले तो कोई दिक्कत क्या, और यहाँ पे अगर निकालिएगा तो 225 आ जाएगा, ठीक है, और हम लोग को बी का वैल्यू फाइंड करना है, बी स्क्वायर का नहीं, तो यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, मतलब क्या
कि हम लोग को तीनों साइड्स पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, एरिया निकालना। देखिए रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी हम लोग को पता है, क्या पता है कि रेक्टेंगल का जो आमने सामने का साइड होता है क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये भी मेरा 15 हो गया क्या, ठीक है, और ये इक्वल होगा तो ये भी मेरा 8 हो गया क्या, ठीक है। मेरे पास साइड्स पता है, मतलब क्या, अगर इसको हम लोग एल मानना चाहें तो एल इसको मान लीजिए, बी इसको मान लीजिए, या फिर इसको बी मान लीजिए, इसको एल मान लीजिए, आपकी मर्जी, जिसको भी एल मानना है एल मानिए, बी मानना है बी मानिए, ठीक है। चलिए हम लोग को पता है, क्या पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी डी, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एल इंटू बी, ठीक है। इस केस में हम लोग एल 15 माने हैं और बी कितना माने, 8 माने हैं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 15 एट का कितना होता है मेरे पास 120 होता है क्या, ठीक है, और यहाँ पे सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड केस क्या है, मेरे पास पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है क्या मेरा, ठीक है, तो यहाँ से 2, एल कितना है मेरे पास, एल है मेरे पास 15 प्लस बी, बी कितना है मेरे पास, बी है 8, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा ये 23, तो आंसर कितना आ जाएगा, 46 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब क्या कि एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर और पेरीमीटर 46 सेंटीमीटर आ गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देख रहे हैं, तो 24 में भी कुछ नहीं करना है मेरे पास। मेरे पास देखिए जो जो टर्म्स दिया गया है, मेरे पास x की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू दी गई है, बस इसमें पुट करना है और हम लोग को वैल्यूज को फाइंड कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास गिवन क्या है, गिवन है मेरे पास x इक्वल टू कॉसिक ए प्लस कॉस ए मेरे पास गिवन है, और y इक्वल टू कॉसिक ए माइनस कॉस ए दिया गया है, ठीक है। चलिए ये टर्म को फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम लोग इजी करने के लिए क्या करते हैं, x प्लस वाई फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद x माइनस वाई फाइंड कर लेते, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई को पहले फाइंड करना है, x, x कितना है मेरे पास, ये पूरा टर्म x है, तो यहाँ पे बस ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है, बस ऐसे ही लिख लीजिए, और y कितना है, y मेरे पास ये पूरा टर्म है, तो प्लस साइन दीजिए, और यहाँ पे cosec a माइनस cos a कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस cos a है और यहाँ पे प्लस है, ये दोनों कट जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 cosec a आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वाई भी फाइंड कर लेंगे, तो x माइनस वाई फाइंड करने के लिए x, x कितना है मेरे पास, x ये पूरा टर्म है, तो cosec a प्लस cos a है, और माइनस माइनस दीजिए, और यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, अगर ब्रैकेट नहीं दीजिएगा तो काम बिगड़ जाएगा, प्लस माइनस में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट दे दिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना है मेरे पास, cosec a है प्लस साइन cos a है, और ये मेरे पास ब्रैकेट खुल रहा है, तो अंदर का सारा साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, इसलिए हम लोग ब्रैकेट देते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है। यहाँ से काट दिए तो मेरे पास कितना आ गया, 2 cos a आ गया। अब कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यूज को पुट करना है और आंसर मेरा क्या होगा, आ जाएगा, बस यहाँ पे ये मेरा LHS है, तो यहाँ पे से हम लोग इसको क्या कर लिए, कट कर लिए, और यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चुपके से बुला लेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, LHS, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, और यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आता है, कैसे यहाँ पे 1 लाना है तो कैसे 1 आता है, देखिए यहाँ पे, चलिए यहीं तक रखते हैं, यहाँ से लिखेंगे, देखिए मेरे पास 2 है ऊपर, तो यहाँ पे 2 ऐसे ही छोड़ देंगे, और डिवाइडेड बाई x प्लस वाई के बदले 2 cosec a लिख दे तो कोई दिक्कत क्या, 2 cosec a लिख दे तो कोई दिक्कत क्या, और इसका क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस साइन है यहाँ पे प्लस दे दीजिए, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, x माइनस वाई के बदले 2 cos a लिख ले तो कोई दिक्कत क्या, 2 cos a लिख ले तो कोई दिक्कत क्या, और नीचे में 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इस 2 से इस 2 को कट कर दिए, इस 2 से इस 2 को कट कर दिए, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया,
वन बाई कॉसेक ए, ठीक है, वन बाई कॉसेक ए, और इसका क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, प्लस साइन है मेरे पास, कॉस ए है तो कॉस स्क्वायर ए ऐसे कर, ठीक है। चलिए अब देखिए, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, वन बाई कॉसेक ए क्या होता है, क्या होता है आप लोग को याद होगा, साइन ए होता है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करेंगे, वन बाई कॉसेक ए के जगह साइन ए पुट कर देंगे, तो साइन ए ऐसे है और इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और प्लस साइन यहाँ पे क्या है मेरे पास, कॉस स्क्वायर ए है, और इसका वैल्यू हम लोग को पता है वन होता है, और यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव भी करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर को देख रहे हैं। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे और आसानी से बन जाएगा। मेरे पास गिवेन क्या है, मेरे पास गिवेन है एक्स, एक्स कितना दिया गया है मेरे पास, एक्स है कॉट ए प्लस कॉस ए दिया गया है, ठीक है, और वाई, वाई कितना दिया गया है मेरे पास, वाई दिया गया है कॉट ए माइनस कॉस ए दिया गया है। फिर से अपने इजी के लिए क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहाँ से एक्स प्लस वाई का फाइंड कर लेंगे, और यहाँ पे एक्स माइनस वाई पहले फाइंड कर चुके हैं, बस उसी वैल्यू को यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स माइनस वाई फाइंड कर रहे हैं, एक्स, एक्स कितना है मेरे पास, कॉट ए है माइनस कॉस ए, ठीक है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस साइन जब भी दीजिएगा ब्रैकेट जरूर दीजिएगा, ठीक है। वाई, वाई कितना है मेरे पास, वाई मेरे पास कॉट ए माइनस कॉस ए है, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल के क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पे प्लस कितना आ गया, कॉट ए का कॉट ए माइनस कॉस ए, हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट खोल रहे हैं तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कॉट ए और ये माइनस है तो माइनस का क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे यहाँ पे कॉस ए, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस कॉस ए और ये प्लस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया, कॉट ए, कॉट ए टू ये, सॉरी, ओ हो सॉरी सॉरी, ये कॉट ए वाला टर्म जाएगा, और ये मेरे पास कहाँ गया, गलती कहाँ हो रहा है, अच्छा ये प्लस था, सॉरी सॉरी यहाँ पे प्लस था, ठीक है। तो ये मेरे पास कॉस ए बच जाएगा, तो टू कॉस ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई फाइंड कर रहे हैं, तो एक्स कितना है मेरे पास, एक्स है कॉट ए प्लस कॉस ए है, और वाई कितना, यहाँ प्लस है तो प्लस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कॉट ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये भी माइनस और ये प्लस, तो दोनों को क्या करेंगे, कट कर देंगे, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, कॉट ए टू टाइम्स है तो टू कॉट ए आ गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देंगे, मेरे पास एल एच एस क्या है, एल एच एस को थोड़ा सा कट करते हैं और इधर प्यार से बुला लेते हैं, ठीक है। इसको क्या किए हम लोग, प्यार से यहाँ पे बुला लिए, ठीक है, ये प्यार से यहाँ पे आ गया, अब बस यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते चले जाएंगे और मेरा आंसर क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या कर रहे हैं, मेरे पास ये एल एच एस है, ठीक है, एल एच एस, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई की जगह टू कॉस ए पुट कर दे तो कोई दिक्कत क्या, और एक्स प्लस वाई यहाँ पे टू कॉट ए पुट कर दे तो कोई दिक्कत क्या, और इसका स्क्वायर, प्लस साइन है प्लस दे दीजिए, एक्स माइनस वाई कितना है मेरे पास, टू कॉस ए है क्या, टू कॉस ए है क्या, और यहाँ पे मेरे पास नीचे टू है, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, सबसे पहले टू से टू गया, टू से टू गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया है, यहाँ पे मेरे पास कॉस ए है और नीचे अगर कॉट ए के बदले, कॉट ए के बदले कॉस ए बाई साइन ए लिख दे तो कोई दिक्कत क्या, तो बस वही कर रहे हैं, ठीक है, और बटा साइन ए, ठीक है, साइन ए इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस साइन यहाँ पे फिर से है कॉस ए तो ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, ये कॉस कट जाएगा, यहाँ पे मेरे पास वन वन बाई साइन है तो ये ऊपर जाके देखिए यहाँ पे वन बाई ऐसे है, वन बाई साइन ऐसे है, इस टाइप का है, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो ये मल्टीप्लाई होके ऊपर का नीचे हो जाएगा क्या, उल्टा हो जाता है ना, तो बस उसी से क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा आ गया, ठीक है, मतलब क्या कि यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे प्लस साइन है प्लस दे दीजिए, और ये कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हम लोग को पता है वन होता है, और यही हम लोग को आर एच एस में प्रूव भी करना था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, और इसमें भी क्या करना है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस कॉन्सेप्ट जो है उसको यूज करके बना देना है, ठीक है।
मेरे पास क्या दिया गया है, मेरे पास एबीसी क्या दिया गया है, एबीसी एक क्या दिया गया है, मेरे पास एबीसी एक ट्रायंगल दिया गया है और उसमें दो एंगल्स दिया गया है। बस एंगल्स ध्यान में रखना है आपको और उसके बेसिस पे ये बनेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले गिवेन क्या है मेरे पास, गिवेन है ए इक्वल टू थीटा, एंगल ए इक्वल टू थीटा दिया गया है, ठीक है। और बी बी इक्वल एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया है। और सी कितना दिया गया है, एंगल सी इक्वल टू फाई दिया गया, इसको फाई बोलते हैं, ठीक है। और मेरे पास एक बार बना लेते हैं अच्छे से फिगर, एक बार बना लेते हैं, ठीक है। मेरे पास ये ऐसा कुछ फिगर दिया गया है, ऐसा कुछ फिगर दिया गया है। ये मेरा क्या है, ए बी सी ए है, ये बी है और ये मेरा क्या है, सी है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या दिया गया है, ये मेरे पास एक्स प्लस टू दिया गया है और यहाँ पे ये मेरा एक्स दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखना चाहें तो ये मेरा थीटा है, यहाँ पे ये क्या है, थीटा है। और फाई को हम लोग दूसरे कलर से इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये फाई है, ठीक है। फाई वाला जब भी हम लोग देखेंगे ब्लू कलर से देखेंगे और थीटा वाला इस कलर से देखेंगे, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले मेरे पास क्या है, दो साइड्स पता है, थर्ड साइड को फाइंड करना है। सबसे पहले क्या हम लोग को पता है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ से ए बी कितना है मेरे पास, ए बी फाइंड करना है, तो बस ए बी का स्क्वायर ऐसे ही कर लेंगे, प्लस साइन है तो प्लस दे दीजिए। बी सी कितना है मेरे पास, बी सी एक्स है और इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर ले तो कोई दिक्कत क्या, नहीं ना। चलिए अब यहाँ से ए सी मेरे पास एक्स प्लस टू है क्या, तो यहाँ पे एक्स प्लस टू और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। चलिए अब सॉल्व करते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस ये मेरा एक्स का स्क्वायर है इक्वल टू, ये ए इसको मान लें और इसको बी मान लें, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दे तो कोई दिक्कत क्या, तो बस कुछ नहीं करेंगे वही तोड़ देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी, बी कितना है फोर, टू का स्क्वायर फोर प्लस टू ए बी, टू ए बी ऐसा होता है ना, तो बस इसको इससे कट कर दीजिए। अब यहाँ पे मेरे पास ए बी सॉरी टू ए बी, टू इंटू ए एक्स है और बी टू है, मतलब यहाँ पे फोर आएगा, टू ए बी कीजिएगा ये, तो ये मेरे पास फोर आएगा, ठीक है। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू फोर प्लस फोर एक्स, ठीक है। और इसको अगर सिंपल करके लिखना चाहें तो दोनों में से फोर कॉमन ले लीजिए, तो एक्स प्लस वन कुछ नहीं किए हैं, फोर कॉमन लिए, ये एक्स प्लस वन, ठीक है, ऐसा किए हैं, तो ये का फोर एक्स प्लस फोर वही चीज़ है, फोर एक्स प्लस फोर सेम है। चलिए अब यहाँ से हम लोग को ए वी का वैल्यू फाइंड करना है, कुछ नहीं करेंगे, रूट में रखेंगे ऐसा ऐसा ऐसा। और देखिए फोर किसका, टू का स्क्वायर है, तो टू तो आराम से निकल जाएगा फोर, और ये एक्स प्लस वन किसी का स्क्वायर नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। चलिए मतलब ए बी भी मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग को देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर में क्या फाइंड करना है, फर्स्ट नंबर यहाँ फाइंड कर लें तो कोई दिक्कत क्या, नहीं ना। रूट ओवर एक्स प्लस वन कॉट फाइव, फाइव बोल रहा है ये, देखिए फाइव यहाँ से फाइव से बोल रहा है, याद रखिएगा फाइव, फाइव वाला हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, ब्लू से, ठीक है। चलिए अब फाइव के केस में देखिए, सबसे लंबी साइड तो किसी भी केस में हाइपोटेनस होगी, ठीक है, सबसे लंबी साइड हाइपोटेनस होगी। और एंगल के थ्रू कनेक्टेड साइड, यहाँ पे एंगल किसका ले रहे हैं हम लोग, फाइव ले रहे हैं, फाई ले रहे हैं, तो इस कंडीशन में फाई के लिए बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यही कॉन्सेप्ट समझाना था, फाई के लिए बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये टैन का होता है पी बाई बी, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा बी बाई पी, ठीक है, बस यही उल्टा कर देते हैं, पी बाई बी टैन का तो कॉट का पी बी बाई पी, ठीक है, बस कुछ नहीं करेंगे वही करेंगे, ठीक है। एक्स प्लस वन ऐसे ही छोड़ दीजिए, कॉट यहाँ पे कॉट है, ठीक है, ये कॉट फाई मतलब बी बाई पी, बी इस केस में कितना है, फाई के केस में बी कितना है, एक्स है, और पी पी कितना है मेरे पास, पी मेरे पास ये पी कितना है, टू बाई पी मतलब ए बी, ऐसा समझ में आया, ठीक है। यही क्यों ले रहे हैं बी, क्योंकि फाई से कनेक्टेड साइड ये है, ठीक है। चलिए अब कुछ नहीं कीजिए, इससे इसको कट कर दीजिए, तो यहाँ पे मेरे पास एक्स बाई टू आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेकेंड नंबर फाइंड करने जा रही है, सेकेंड जो है, सेकेंड मेरे पास क्या है, सेकेंड मेरे पास दिया गया है रूट ओवर एक्स क्यूब प्लस
एक्स स्क्वायर टेन थीटा। ठीक है, अब थीटा के केस में देखिए, थीटा सबसे लंबी साइड, हाइपोटेनस थीटा के केस में भी हाइपोटेनस यही, और बेस थीटा के केस में बेस कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज है आपको, कोई समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, चलिए, बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कुछ नहीं करेंगे, यहां से वैल्यू पुट कर देंगे, रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर टेन थीटा, क्या परपेंडिकुलर बाई बेस, थीटा के केस में क्या परपेंडिकुलर कौन सा, परपेंडिकुलर ये एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लिख दिए, मेरे पास एक्स है, और बेस कौन सा, बेस ये कितना, ए बी कितना है, टू रूट एक्स प्लस वन। ठीक है, चलिए अब कुछ थोड़ा सा तिगरम दोहराते हैं। देखिए रूट है, और यहाँ पे अगर दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत क्या, और यहाँ एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो एक्स, और एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो वन। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक्स वाई टू रूट एक्स प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आ गया, और ये रूट ओवर एक्स प्लस वन, और इधर कितना हो गया, एक्स वाई टू रूट एक्स प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, और सॉल्व कीजिएगा तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग थर्ड देख रहे हैं, थर्ड भी थीटा वाला है, तो थीटा वाला है, ऐसा ही लेंगे, बेस ये लेंगे, परपेंडिकुलर ये लेंगे। ठीक है, चलिए मेरे पास क्या है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस वाई हाइपोटेनस, बेस वाई हाइपोटेनस। इस केस में थीटा के केस में बेस कितना है, ए बी है क्या, तो ए बी लिख देंगे, हाइपोटेनस तो दोनों के लिए सेम रहेगा, ए सी। ए बी कितना है मेरे पास, ए बी है टू ऐसा कुछ है, और ए सी, ए सी कितना है मेरे पास, एक्स प्लस टू है क्या, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही इजी है। ठीक है, मेरे पास गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन देख लेते हैं। गिवन है मेरे पास, गिवन क्या है, कॉट ए प्लस वन बाई कॉट ए इक्वल टू टू है। लाना क्या है, लाना मेरे पास स्क्वायर में, कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बहुत इजी बहुत वाला क्वेश्चन, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो बस कुछ नहीं कीजिए, लिखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, कॉट ए प्लस वन बाई कॉट ए इसका इधर स्क्वायर कर देंगे और इधर टू का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको पूरे को ए मान लीजिए और इस पूरे को बी मान लीजिए, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठा दे तो कोई दिक्कत क्या, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब ए इस केस में क्या है, कॉट ए है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी ये पूरा है, वन बाई वन का स्क्वायर वन, और नीचे कॉट स्क्वायर है बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए कितना है, कॉट ए है, कॉट ए है, और बी कितना है, वन बाई कॉट ए है। ठीक है, इक्वल टू टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा क्या, तो यहाँ से फोर लिख दी, ये कॉट कॉट कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मेरे पास जो चाहिए था शायद आ गया, आपको दिख गया होगा। ठीक है, वन बाई कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, इस टू को उधर कर देंगे, इस टू को उधर कर देंगे, तो फोर माइनस टू इक्वल टू टू, ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मेरे पास गिवन है, ये टर्म गिवन है, और फाइंड क्या करना है, फाइंड साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले गिवन टर्म को लिख लेते हैं, गिवन क्या है मेरे पास, रूट थ्री टेन थीटा इक्वल टू कितना दिया गया है, थ्री साइन थीटा दिया गया है। क्या करेंगे भाई, साइन के टर्म में लाना है, कुछ नहीं कीजिए, ये जो टेन थीटा दिख रहा है, टेन थीटा को साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए, हम लोग पढ़ चुके हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा वाई कॉस थीटा होता है ना, तो बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे वही पुट कर देंगे, इंटू साइन थीटा वाई कॉस थीटा इक्वल टू कितना है यहाँ पे, थ्री साइन थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या यहाँ पे रूट थ्री बाई कॉस थीटा इक्वल टू मेरे पास थ्री आ गया क्या। ठीक है, कुछ नहीं कीजिए, कॉस थीटा को उधर कर दीजिए, थ्री को उधर कर दीजिए, तो रूट थ्री बाई थ्री इक्वल टू कितना, कॉस थीटा हो गया क्या, कॉस थीटा हो गया क्या, मतलब क्या कि कॉस थीटा इक्वल टू रूट थ्री बाई थ्री। ठीक है, और हम इस थ्री को रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख दें तो कोई दिक्कत क्या, रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना होता है, थ्री होता है, तो इससे एक ये कैंसिल हो गया, मतलब क्या कि कॉस थीटा इक्वल टू वन बाई रूट थ्री आ गया। ठीक है, चलिए अब कुछ नहीं करेंगे,
यहाँ से हम लोग दो अप्रोच कर सकते हैं, या तो फिर इसमें परपेंडिक बेस वाई हाइपोटेनस करके वो पूरा निकाले, ठीक है, वैसे भी निकाल सकते हैं, इसको बेस मान लीजिएगा, ठीक है, इसको बेस मान लीजिएगा और ये हाइपोटेनस हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर क्या निकाल लेंगे हम लोग, वो निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे और उसके बाद हम लोग साइन थीटा निकाल लेंगे, ठीक है। और दूसरा अप्रोच क्या है, हम लोग को पता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है क्या, इस अप्रोच से भी बना सकते हैं और उस अप्रोच से भी बना सकते हैं कि बेस दिया गया है, हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर फाइंड करके साइन थीटा निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग इस अप्रोच से चल रहे हैं, ठीक है। 1 माइनस कॉस, कॉस कितना है मेरे पास, cos 1/√3 लिख दें तो कोई दिक्कत क्या, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, इसको सॉल्व कीजिएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये नीचे 1 है तो 3 और 1 का LCM 3 और यहाँ पे 3 माइनस 1, इसको सॉल्व कीजिए, √2/3 आ गया, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 और 30 दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या है कि इसमें थोड़ा सा जो ज्योमेट्री का पार्ट है उसका यूज हुआ है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले वो ज्योमेट्री का जितना पार्ट इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है बस उतना ही बताऊंगा, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इससे समझ लीजिएगा थोड़ा, ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं समझा दूंगा, ठीक है। अगर पढ़ चुके हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए तो ज्योमेट्री का पार्ट सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या है, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्री का जो पार्ट था उसके अकॉर्डिंग, मतलब मान लेते हैं मेरे पास दो ट्राइंगल्स है, ठीक है, दो ट्राइंगल्स है, ऐसा क्यों करेंगे अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। मेरे पास ये ट्राइंगल है और ये मेरे पास दो ट्राइंगल्स है, ठीक है, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, दो ट्राइंगल्स है, चलिए, ठीक है। अब इसमें क्या मान लेते हैं, ये मेरे पास दो ट्राइंगल्स हो गया, ठीक है, दो ट्राइंगल्स हो गया, इसमें मान लेते हैं इसका एंगल ए है और इसका एंगल बी है, ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल्स है, ठीक है, एंगल ए है और एंगल बी है, इसका कुछ नेमिंग कर देते हैं, इसको सी और डी मान लेते हैं और इसको ई और एफ मान लेते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, मेरा एम क्या है कि ट्राइंगल को सिमिलर करना है, ठीक है, और सिमिलर क्यों करेंगे, क्योंकि सिमिलर करने के बाद ही एंगल इक्वल होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ट्राइंगल को सिमिलर करके ही एंगल को इक्वल करेंगे, ठीक है। तो सिमिलर करने के लिए एक कंडीशन, कंडीशन बहुत सारे हैं लेकिन इसमें जो यूज हो रहा है मैं बस उसी को बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें सिमिलर करने का एक जो कंडीशन है उसको, उसमें क्या होता है कि इधर मान लीजिए ये मेरा सी डी है, ठीक है, ये मेरा क्या है, सी डी है और सी डी डिवाइडेड बाई ई एफ, सी डी डिवाइडेड बाई ई एफ, इसको रट लीजिए अभी और ट्राइंगल पढ़िएगा तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या कि सी डी बाई ई एफ का रेशियो किसके इक्वल आएगा, ए सी बाई बी ई के इक्वल आएगा, ठीक है, ए सी बाई बी ई के इक्वल आ रहा है और क्या ए डी बाई बी एफ का रेशियो तीनों क्या आता है, अगर इक्वल आ जाए, ठीक है, इस ये कंडीशन है, अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा ये तीनों ऐसा रेशियो होगा, मतलब इधर का ये सी डी और इधर का ई एफ किसके इक्वल है, इसका रेशियो किसके इक्वल है, इधर का ए सी और इधर का बी ई के किसके इक्वल है, इधर का ए डी और इधर के बी एफ के, ठीक है, ऐसा ये सीक्वेंस बदल भी सकता है, हो सकता है ए डी बाई बी एफ इधर रख दीजिए, मतलब ये ऐसा आ गया तो मेरा दोनों ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तो सिमिलर के लिए कौन सा हम लोग सिंबल यूज करते हैं, देखिए ये मेरा क्या है, सिमिलर का सिंबल है, ठीक है, ये मेरा क्या है, सिंगल सिमिलर का सिंबल है, ऐसा हो जाएगा। ऐसा होने के बाद क्या होता है कि ये मेरा जो एंगल फर्स्ट फर्स्ट जो दिख रहा है ये दोनों इक्वल हो जाता है, ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा और बीच वाला एंगल बीच वाले के एंगल के साथ इक्वल हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा और लास्ट वाला एंगल लास्ट वाले के साथ इक्वल हो जाएगा, डी इक्वल टू एफ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एम क्या है मेरा, सिमिलर करना, सिमिलर कैसे होगा, इस कंडीशन से हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे, उसके बाद सिमिलर होने के बाद एंगल ये जो है मेरा एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं, तो हम लोग मान रहे हैं यही दोनों मेरा क्या है, यही दोनों मेरा ट्राइंगल्स है, ठीक है, इसमें क्या दिया गया, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ये मेरा एक्यूट एंगल्स है और ये भी मेरा एक्यूट एंगल्स है, ठीक है। सच डैट साइन ए इक्वल टू साइन बी, ठीक है, साइन ए इक्वल टू साइन बी मेरे पास दिया गया है,
ठीक है, साइन ए इक्वल टू साइन बी दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग साइन ए और साइन बी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम लोग को पता है सबसे लंबी साइड हाइपोटेनस और एंगल के थ्रू कनेक्टेड साइड बेस होती है, और जो बच जाए परपेंडिकुलर। इस केस में भी सेम होगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। साइन थीटा के लिए पी बाई एच होता है। तो इस केस में देखिए साइन ए पी कितना है मेरे पास, पी मेरा सी डी लिख दें तो कोई दिक्कत क्या, पी मेरा सी डी लिख दें तो कोई दिक्कत क्या। और एच एच कितना है मेरे पास, ए डी है, ठीक है, ए डी है। एच कितना है मेरे पास, ए डी है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ए डी कर लेंगे, ठीक है। इक्वल का साइन बी, साइन मतलब बी इस ट्राइंगल में आ जा रहे हैं, साइन बी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। पी कितना है मेरे पास, ई एफ है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ई एफ कर लेंगे। और हाइपोटेनस कितना दिया गया मेरे पास, हाइपोटेनस मेरे पास बी एफ है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बी एफ कर लेंगे, ठीक है। और इसी को क्या कर रहे हैं, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है। सी डी इंटू बी एफ हो गया इक्वल टू ए डी इंटू ए डी इंटू ए डी इंटू ई एफ कर लें तो कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत क्या। चलिए हम लोग को इस फॉर्मेट में लाना है, सी डी बाई ई एफ लाना है। मतलब क्या कि इस टर्म को उधर करेंगे, मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा क्या, ये ई एफ इधर आ गया और बी एफ को उधर कर देंगे तो ए डी वाई ए डी वाई ए डी वाई बी एफ, ठीक है। देखिए ये मेरा दो इक्वल आ गया, ये और ये इक्वल आ गया, ठीक है। इसको हम लोग के मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही एज्यूम कर रहे हैं, के कुछ भी मान रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे हम लोग किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, अब ए सी बाई बी ई फाइंड कर रहे हैं, के इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो चलिए बस वही करेंगे, हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग को किसका वैल्यू फाइंड करना है, सी डी बाई ई एफ इक्वल आ चुका है किसके, ए डी बाई बी एफ के। तो ए सी बाई बी ई फाइंड कर ले, अगर ये इक्वल आ जाए तो तीनों इक्वल हो जाएगा क्या, और इस कंडीशन से हम लोग ये कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बस वही करते हैं। यहाँ से देखिए मेरे पास पता है सी डी बाई ई एफ इक्वल टू के है तो सी डी इक्वल टू के इंटू ई एफ लिख दें तो कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत क्या, नहीं ना। और यहाँ से ये भी पता है कि ए बी बाई वी एफ इक्वल टू के है तो ए बी इक्वल टू के इंटू बी एफ कर ले तो कोई दिक्कत क्या, नहीं ना। बस क्यों कर रहे हैं, आगे यूज आएगा उसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या फाइंड करना है, ए सी वाई बी फाइंड करना है, क्योंकि यही टर्म हम लोग को नहीं पता है। ए सी वाई बी फाइंड करना है, ठीक है। चलिए देखिए ए सी कहाँ है, ए सी मेरे पास ये है। अब इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या कर रहे हैं, मेरे पास क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर ले तो कोई दिक्कत क्या, ठीक है। और हम लोग को ए सी, ए सी मतलब बी चाहिए क्या, तो बी को स्क्वायर को इधर ही रखिए, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर लीजिए, ये स्क्वायर हटाइएगा तो इधर मेरा रूट चढ़ जाएगा। मतलब क्या, रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो रूट ओवर एच स्क्वायर, एच कितना है मेरे पास, एच ए डी है क्या, तो यहाँ से ए डी कर लेंगे, ठीक है, ए डी है, ठीक है। एच कितना है मेरे पास, ए डी है, सही जा रहे हैं ना, चलिए सही है, ए डी का स्क्वायर कर ली, ठीक है। चलिए आगे क्या है मेरे पास, प्लस सॉरी माइनस, माइनस माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस कितना है मेरे पास, यह देखिए सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिस्टेक क्या हो गया, यहाँ पे ए डी है तो मैंने गलती से ए बी लिख दिया है, तो ये इसी कारण थोड़ा सा आंसर क्या हो रहा था, नहीं आ रहा था, ठीक है। थोड़ा सा मतलब क्या हो रहा था, मुझे कंफ्यूजन लग रहा था कि कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। ए डी वाई बी एफ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग ए डी ए डी ए डी, यहाँ से ये क्या है मेरा, ए बी नहीं है, ए डी है, ठीक है। चलिए ए डी स्क्वायर माइनस पी, पी कहता है मेरे पास सी डी है क्या, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सी डी का स्क्वायर कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई बीई, सेम प्रोसेस से बीई भी निकालेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, रूट ओवर बीई, यहाँ पे बीई ये निकालना है, ठीक है। तो एच स्क्वायर, इस कंडीशन में बी एफ मेरा एच है क्या, तो बी एफ का स्क्वायर माइनस माइनस पी स्क्वायर, पी कितना है, ई एफ है क्या, तो बस यहाँ से ई एफ का स्क्वायर कर लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पे वैल्यूज को पुट कीजिए, ए डी के जगह के बी एफ पुट कर दे तो कोई दिक्कत क्या, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा क्या,
केक का स्क्वायर के स्क्वायर और बी एफ का स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस साइन है तो माइनस दे दीजिए, सी डी सी डी के बदले के इंटू ई एफ कर ले तो कोई दिक्कत क्या, और इसका स्क्वायर है तो के का स्क्वायर इंटू ई एफ का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ से ऐसे कर लिए, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई मेरे पास क्या है यहाँ पे, बी एफ का स्क्वायर है माइनस ई एफ का स्क्वायर है, ठीक है। चलिए पेशेंस रख के थोड़ा सा एक दो बार देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो कुछ नहीं करना, पेशेंस रख के समझते जाना। इसमें से के स्क्वायर कॉमन ले लें तो मेरे पास बी एफ स्क्वायर माइनस ई एफ स्क्वायर आ जाएगा क्या, ठीक है। और नीचे क्या है मेरे पास, नीचे भी सेम टर्म है, बी एफ स्क्वायर माइनस ई एफ स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म मेरा कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, रूट के स्क्वायर, और ये के आ गया क्या, मतलब क्या कि ए सी बाई बी ई भी मेरा कितना आ गया, के आ गया, के आ गया, ठीक है। मतलब क्या कि ये तीनों टर्म इक्वल आ गया। चलिए तो बस कुछ नहीं करते हैं, लिखते हैं मेरा क्या के कौन कौन सा है। देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, सी डी बाई, या सीन्स सी डी बाई ई एफ इक्वल टू ए डी बाई बी एफ इक्वल टू ए सी बाई ई एफ कर लिए, ठीक है। इस थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा आप लोग को समझने में, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। ऐसा कंडीशन आ गया तो हम लोग को पता है ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी ए बी सी नहीं, ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल बी ई एफ के। और एंगल इक्वल करना चाहें तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, और यही हम लोग को प्रूव भी करना था। ये अच्छे से पढ़िएगा आप, ट्राइंगल पढ़िएगा उसमें अच्छे से आपको समझ में आता है एंगल है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, छोटा करके आपको दिखा देते हैं पूरा एक ही साथ, ठीक है। ये देखिए पूरा एक ही साथ आ गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं आपको ट्राई करूंगा कि इसको अच्छे से समझा दूँ, ठीक है। तो चलिए अब यही कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 में भी यूज करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को भी बनाते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, दो ट्राइंगल्स पहले ले लेते हैं। अब इसमें उतना मैं नहीं समझाऊंगा, आप समझ चुके होंगे अच्छे से। चलिए दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, ठीक है। मेरे पास दो ट्राइंगल्स आ गए, मेरे पास दो ट्राइंगल है, इसका भी वही करेंगे नेमिंग, ठीक है। इसमें भी क्या करते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसमें क्या करते हैं इसको, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। इसको ए एज्यूम कर लेते हैं और इसको बी एज्यूम कर लेते हैं, ये एंगल ये और ये, ठीक है। यहाँ पे फिर से सी और इसको डी मान लेते हैं, यहाँ से फिर से ई और इसको एफ मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ नहीं करेंगे, समझा चुके हैं हम लोग, समझ चुके हैं पिछले क्वेश्चन से, फिर से बस वही स्टेप को फॉलो कर देंगे, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, मेरा एम क्या है, हम लोग का एम है कि ये जो सी डी दिख रहा है, सी डी, ये जो सी डी है डिवाइडेड बाई ई एफ, सी डी डिवाइडेड बाई ई एफ किसके इक्वल आना चाहिए, ए सी डिवाइडेड बाई, ए सी डिवाइडेड बाई, ए सी डिवाइडेड बाई बी ई के इक्वल आना चाहिए, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये मेरा ए डी डिवाइडेड बाई बी एफ के आना चाहिए, ठीक है। ये आएगा तो ए डी डिवाइडेड बाई बी एफ आएगा, तो ये आएगा तो मेरा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। जब सिमिलर हो जाएगा, मेरा ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा तो क्या करेंगे, सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा तो ए इक्वल टू बी कर देंगे, बस यही मेरा क्या है, ए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या दिया गया है, टेन ए इक्वल टू टेन बी दिया गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे टेन ए इक्वल टू टेन बी दिया गया, ठीक है, टेन बी दिया गया। देखिए अब ए के केस में सबसे लंबी साइड हाइपोटेनस, एंगल के थ्रू कनेक्टेड साइड बेस, और जो बच जाए परपेंडिकुलर। इसमें भी वही चीज हो जाएगा, हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए हम लोग ट्रिक जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये किसका होता है, टेन का होता है, पी बाई बी करना, ठीक है। तो ए के केस में पी कितना है मेरे पास, सी डी है क्या, तो यहाँ से सी डी कर लिए, ठीक है। और बी बी ए सी है क्या, तो यहाँ से हम लोग ए सी कर लिए, ठीक है। इक्वल का साइन दे दीजिए यहाँ पे, टेन बी, अब बी के केस में आ रहे हैं फिर से पी बाई बी करना है, पी मेरे पास ई एफ है क्या, तो ई एफ कर लिए, ठीक है। और बी बी कितना है मेरे पास, ई वी है क्या, तो इस यहाँ से ई वी कर ली, सॉरी बी ई कर ली, बी ई ई वी सेम, ठीक है। चलिए अब देखिए इस टर्म में मिलाते हैं, सी डी यहाँ पे है, इस टर्म यहाँ इसको इधर कर दे तो कोई दिक्कत क्या, ई एफ, ठीक है। इक्वल का साइन इसको इधर कर दे तो कोई दिक्कत क्या, ए सी बाई बी। देखिए ये दो टर्म मेरा क्या आ गया, इक्वल आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको भी इक्वल लाना है, इसको हम लोग के मान लेते हैं, ठीक है, के एज्यूम कर ली हम लोग को। देखिए यहाँ पे पता है सी डी वाई ई एफ इक्वल टू कितना है, के है, तो अगर सी डी का वैल्यू लिखना चाहें तो के इंटू ई एफ कर लें तो कोई दिक्कत क्या, नहीं ना। और यहाँ से देखिए ए सी वाई
बी इक्वल टू के है, तो यहाँ से ए सी निकालना चाहे तो के इंटू बी करने तो कोई दिक्कत क्या नहीं ना, तो चलिए बस यही करेंगे और हम लोग को आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग का आंसर लाना है ए डी बाई ए डी बाई ए डी बाई ए डी बाई बी एफ लाना है, ठीक है। ए डी यहाँ पे ये क्या है, हाइपोटेनस है, हम लोग को पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो एच निकालना है, तो अगर ऐसा कर दें पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत क्या नहीं ना, तो बस वही करेंगे। ए डी ए डी बाई ए डी बाई क्या निकालना है, ए डी बाई बी एफ निकालना है, ठीक है। ए डी बाई बी एफ निकालना है, ए डी मेरा ये हाइपोटेनस, इसके बदले लिखना चाहें तो रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लिख दें तो कोई दिक्कत क्या, मतलब क्या कि ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर लिख दें तो कोई दिक्कत क्या, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। डिवाइडेड बाई बी एफ, अब उसमें चल रहे हैं बी एफ, इसमें बी एफ का स्क्वायर इक्वल टू बी ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर लिख लें तो कोई दिक्कत क्या, बी ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर लिख लें तो कोई दिक्कत क्या, और ये रूट है, दोनों के रूट से हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ए डी ए डी ए डी सॉरी ए सी, ए सी के बदले के इंटू बी ई कर लें तो कोई दिक्कत क्या, और इसका स्क्वायर है तो ऐसा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। प्लस साइन है, प्लस दे दीजिए। सी डी, सी डी कितना है मेरे पास, सी डी के बदले के इंटू के का स्क्वायर के इंटू ई एफ का स्क्वायर, ऐसा, मतलब सी डी है के इंटू ई एफ, स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर इंटू ई एफ स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास पहले से है बी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसमें से बस हम लोग ऊपर के को कॉमन ले रहे हैं, ऊपर दोनों के स्क्वायर को क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, बी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, ठीक है। और ये नीचे कितना है, डिवाइडेड बाई बी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, ठीक है। ये ऊपर नीचे दोनों सेम है तो कैंसिल कर देंगे, तो मेरे पास कितना आ गया, रूट के स्क्वायर, और इसको लिखना चाहें तो के आ गया, मतलब क्या कि मेरे पास जो ए डी वाई बी एफ आया वो भी किसके इक्वल आ गया, के यहाँ पे ये दोनों के इक्वल था और ये भी आ गया, इसका मतलब क्या कि तीनों रेशियो क्या आ गया, इक्वल आ गया, और यही हम लोग को चलाना था, ठीक है। मतलब क्या कि सी डी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई बी ई इक्वल टू ए डी बाई बी एफ, मुझे पता है कि थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो रही होगी समझने, क्योंकि ये ट्रायंगल का पार्ट है, ज्योमेट्री का पार्ट है, इसीलिए जब ऐसा होता है, चलिए ऐसा कंडीशन होता है, तो ट्रायंगल ए, ये वाला ट्रायंगल ए सी डी, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है ए सी डी, ये ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल बी ई एफ के, और ऐसा होगा तो ये आगे आगे एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। चलिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, देखिए मेरे पास ये गिवन है, ये गिवन है, और ये टैन थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बच्चा वाला क्वेश्चन, जो बोलिए वो क्वेश्चन, बस देखने में आपको ये तगड़ा लग रहा होगा लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा होगा, पहली बार बना रहे होंगे तो कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। मेरे पास गिवन क्या है, देखिए सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, वन प्लस वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू थ्री साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया गया, ठीक है, ऐसा दिया गया। अब हम लोग को लाना किस में है, टैन में लाना है, बहुत दिक्कत वाली बात, कैसे लाएंगे भाई, तो कुछ नहीं कीजिएगा आप, दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से क्या, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा से क्या कीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए, क्यों कीजिएगा थोड़े देर बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या कीजिए, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा बोथ साइड कीजिए, तो क्या कीजिए, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय किससे कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर, क्यों कर रहे हैं, बस कुछ देर रुक जाइए, आपको क्यों का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू थ्री इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा कर लें क्या, क्योंकि दोनों तरफ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब क्या कर रहे हैं, इसको स्प्लिट कर रहे हैं अलग अलग, तो इसको अगर लिखना चाहें तो वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें तो कोई दिक्कत क्या नहीं ना, चलिए प्लस साइन साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें तो कोई दिक्कत क्या नहीं, ठीक है। अब समझ आ रहा होगा कि मैंने कॉस स्क्वायर थीटा से ही क्यों डिवाइड किया, ठीक है। चलिए अब इधर लिखना चाहे तो ये कॉस है और इधर कॉस स्क्वायर, तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा क्या इसके साथ, तो यहाँ पे मेरे पास थ्री साइन थीटा
भाई कॉस थीटा आ गया क्या? तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा से ही क्यों डिवाइड किए, क्यों यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, मतलब साइन बाई कॉस आ गया, यहाँ भी साइन बाई कॉस आ गया। ठीक है, इससे हम लोग टैन में चेंज कर सकते थे। मेरा एम क्या था, टैन में जाना, तो हम लोग यहाँ पे टैन में लगभग आ चुके हैं। एक टर्म ये डिस्टर्ब करेगा, इसको भी क्या करेंगे हम लोग टैन में चेंज कर देंगे। ठीक है, यही एम था, टैन में चेंज करना था, इसलिए हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मेरे पास देखिए वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए वन बाई कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है क्या? होता है ना, तो अगर इसका स्क्वायर करें सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसके बदले हम लोग लिखना चाहें वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा के बदले, तो सेक स्क्वायर थीटा लिख दे तो कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? मेरे पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा होता है क्या? ठीक है, और इसका स्क्वायर कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा क्या? तो बस कुछ नहीं कीजिए, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए इक्वल का साइन है, प्यार से आराम से इक्वल का साइन दे दीजिए। अभी फिर से साइन बाई कॉस क्या होता है? टेन होता है, तो यहाँ से बस थ्री टेन थीटा लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेरा सब तो टेन में आ गया, लेकिन ये मेरा टेन में नहीं है। एक इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़े हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है क्या? मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा के बदले ये वैल्यू पुट कर दे तो टोटल टर्म टेन में आ जाएगा, और टेन का ही वैल्यू हम लोग को फाइंड करना। चलिए फाइंड कर लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा के बदले वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं। ठीक है, ये प्लस का साइन है, प्लस दे दीजिए प्यार से, फिर से टेन स्क्वायर थीटा, फिर से टेन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। ठीक है, इक्वल 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 थ्री टेन थीटा लिख लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं कीजिए, इसको भी इधर ले आइए। देखिए यहाँ पे वन है प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टू टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे टू टेन स्क्वायर थीटा लिख लीजिए। ठीक है, चलिए इसको क्या कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, तो ये प्लस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा क्या, माइनस थ्री टेन थीटा इक्वल टू जीरो। अब इसको कुछ पावर के अकॉर्डिंग इसको ये करते हैं, ये इसको बस आगे कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, माइनस थ्री टेन थीटा, ठीक है, प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग टेन थीटा इक्वल टू एक्स मान ले तो कोई दिक्कत क्या, क्योंकि एक्स के टर्म में निकालेंगे उसके बाद फिर हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, टू एक्स स्क्वायर टेन थीटा एक्स, तो टेन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री एक्स प्लस वन, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया क्या? और यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, और जो एक्स का आएगा टेन के इक्वल है, तो वही मेरा क्या आ जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। चलिए तो यहाँ से क्या करते थे हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर। इसको इस टाइप से स्प्लिट करते हैं कि स्प्लिट करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, ठीक है, और एड और सब्ट्रैक्ट करने पे ये आना चाहिए। कुछ नहीं कीजिए, माइनस माइनस लगा दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस टू एक्स माइनस वन एक्स क्या आ जाएगा, थ्री एक्स आ जाएगा। तो बस कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे वही पुट कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, बस कुछ नहीं, ये सब आप पढ़ चुके हैं, मैं कुछ स्पेशल नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आप ये सब पढ़ चुके हैं, मैं कुछ स्पेशल नहीं बता रहा हूँ। चल यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ दोनों में देखिए टू एक्स कॉमन है क्या, तो बस टू एक्स कॉमन ले लीजिए, टू एक्स स्क्वायर में से टू एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स बच जाएगा क्या। ठीक है, माइनस साइन टू एक्स में से टू एक्स कॉमन मतलब वन, ठीक है, माइनस वन दोनों में से कॉमन ले ले तो कोई दिक्कत क्या, और इधर एक्स माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से देखिए एक्स माइनस वन दोनों में से कॉमन ले लें तो कोई दिक्कत क्या, और यहाँ क्या आ जाएगा, टू एक्स माइनस वन। ठीक है, और दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, एक्स यहाँ से एक्स इक्वल टू वन, और यहाँ से टू एक्स इक्वल टू इधर जाएगा तो वन, और एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन बाई टू। मतलब क्या, एक्स इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, एक्स इक्वल टू थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, एक्स इक्वल टू वन और वन बाई टू। और हम लोग क्या माने, एक्स इक्वल टू क्या था, टेन थीटा था ना, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, बस वन और वन बाई टू। यही हम लोग को क्या लाना था, प्रूव भी करना था। देख लीजिए यहाँ से यही प्रूव करना था ना, देख लीजिए थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया है, आप यहाँ से एक एक व्यू में देख सकते हैं। देखिए यही ला रहा था ना, वन बाई टू और वन। ठीक है, पूरा देख सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर समझाऊंगा।
ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं और वीडियोज़ के लिए, तो और कमेंट में भी कीजिए, सब मिल जाएगा। थैंक्स फ्रेंड्स, देखने के लिए बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।